हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जस्ट आपको पता ही होगा कि कल FSSSI के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और बहुत सारे इशू स्टूडेंट्स को फेस हो रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो स्कोर कार्ड में उनका रोल नंबर है वो जो एडमिट कार्ड में था उससे पूरा डिफरेंट है। ये वो रोल नंबर शो हो रहा है जो हमें जैन में एडमिट कार्ड अलॉट हुए थे, पहले जो एग्ज़ाम जैन में उसका वाला। अब ये दो रोल नंबर कैसे कोई अलॉट कर सकता है किसी को भी? अगर आपने एग्ज़ाम पोस्टपोन ही किए तो आप फिर ये वाला नया वाला रोल नंबर क्यों नहीं शो कर रहे हो, पुराने वाले से क्या शो कर रहे हो? बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो काउंटिंग में मिस्टेक है, उन्होंने जो आंसर किसे काउंट किए थे और जो उनके उस पर रिजल्ट पे यानी स्कोर कार्ड पे शो हो रहे हैं वो भी मार्क्स बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे इशू फेस हो रहे हैं। और जैसे सबसे बड़ी बात, असिस्टेंट का जो कट ऑफ है वो 440 गया है। मतलब इतना हाई कट ऑफ, आप खुद सोचो कि अनबिलीवेबल है कि मतलब आप 40-91% कट ऑफ। आई नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लेकिन 440 मार्क्स चलाने के लिए आपको 120 में 110 क्वेश्चन पूरे करेक्ट करने पड़ेंगे विदाउट एनी नेगेटिव आंसर, अगर आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो, जो कि एक बहुत ही टफ है। आई नो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आप रिजल्ट को जब देखोगे ना तो आप जैसे TO का ही देखो कट ऑफ, TO का कट ऑफ फिर से लोगों ने बोला था 260-280 तक जा सकता है लेकिन 324 चला गया है। CFSO का तो 300 ही गया, पिछले बार 269 था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि पेपर भी ऑलरेडी 80 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे। लेकिन TO का कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और बहुत सारी पोस्ट, एक दो पोस्ट के लिए मेनली ऐसा ना कि ऐसा है कि जो कट ऑफ जिन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उस हिसाब से मतलब ऐसा कट ऑफ दिया। एक तो रिज़ल्ट 100 दिन बाद आया, 100 दिन बाद भी रिजल्ट देने के बाद भी इतने इशू हो रहे हैं कि किसी का रोल नंबर सेम नहीं है, किसी के मार्क्स सेम नहीं, कि कैसा रिजल्ट है, क्या हुआ है, इसमें कुछ भी पता नहीं है। और जैसे कुछ लोगों ने मेल भी किया है पर अभी तक कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा उस साइड से कि रिस्पांस तो दो कि दो एडमिट कार्ड कैसे इशू कर दिए, दो नंबर रोल नंबर। अगर आपको रोल नंबर ही इशू करने तो एक करो ना, फिर आपने जो अभी जिस रोल नंबर से हमने पेपर दिया आप वो शो करो ना, वो आप पिछला वाला क्यों कर रहे हो, तो पोस्टपोन हो गया था वो रोल नंबर का, इस रोल नंबर से क्या लेना देना पता नहीं। आई नो कि बहुत सारे बच्चों ने सोचा था कि उनका क्वालिफाई होगा, बहुत अच्छे मार्क्स के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, अपन फिर से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी आपको पता है ये सेकेंड टाइम आई थी, इसके पहले 19 में आई थी, तो इसका कोई रेगुलर तो है नहीं, ना जाने दूसरी बार आती भी है नहीं आती है, कब आती है। तो जिनका भी हो गया है आप CBT 2 के लिए प्रिपरेशन करो, जिनका नहीं हुआ है वो और किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो। अगर इसकी वैकेंसी आती तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आया है ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ये देखते हैं हम आगे क्या होता है। रिजल्ट तो आउट हो ही चुके हैं, उसमें तो कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा। और जिनका हुआ है आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जिनका नहीं हुआ नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच।